हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज है 12 दिसंबर 2023 और 12 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में बोधि दिवस 8 दिसंबर को मनाया गया। बोधि दिवस 8 दिसंबर को मनाया गया। अब बात है इम्पोर्टेंट डे की बात, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और BSF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस व राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड वैश्विक निवेशकों शिखर सम्मेलन की उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तराखंड वैश्विक निवेशकों की शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिचौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में यहूदी त्यौहार हनुक्का का उत्सव कब शुरू हुआ है? तो कब शुरू हुआ है, 7 दिसंबर को, ऑप्शन बी राइट होगा। 7 दिसंबर को यहूदी त्यौहार हनुक्का का उत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, राजीव आनंद। ये हैं राजीव आनंद जिनको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सैम अल्टमैन को फिर से ओपन AI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को उन्हें अध्यक्ष चुना है। मुंबई उत्सव का सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा जी को नियुक्त किया गया है और जस्टिन विवेक चौधरी ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो BR अंबेडकर की, बी ऑप्शन राइट होगा। BR अंबेडकर जी की जयपुर वैक्स म्यूजियम में मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, नोवाक जोकोविच। ये हैं नोवाक जोकोविच जो कि ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में लीलावती का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो हाल ही में लीलावती का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, अभिनेत्री थी लीलावती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने काला जर का उन्मूलन किया है? तो काला जर का उन्मूलन किस देश ने किया है? तो बांग्लादेश यानी बी ऑप्शन राइट होगा, बांग्लादेश ने काला जर का उन्मूलन किया है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बागा सागर देश का आयोजन किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति मेघालय में शुरू हुआ है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परागमन मार्गों की अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे स्विगी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन राइट होगा, आनंद कृपालू। ये हैं आनंद कृपालू जी जिनको स्विगी का अध्यक्ष व स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने टीम
टीम दवोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी। तो बी ऑप्शन राइट होगा, उत्तर प्रदेश। ये है मैप में उत्तर प्रदेश, जो कि टीम दवोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने CSJM विश्वविद्यालय में NAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना भी शुरू की है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनेगा, महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी योजना परियोजना की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में लाल दमोहा, सी ऑप्शन राइट होगा, लाल दमोहा। ये है लाल दमोहा जो कि मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है, बी ऑप्शन राइट होगा, लाहौर। जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में लाहौर जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे नए भारत का संवेद पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने किया है, रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने नए भारत की संवेद पुस्तक का विमोचन किया है। राकेश पाठक द्वारा लिखित गई पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हीलचेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विम को भी लॉन्च किया गया है। विवेक अग्नोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अर्जुन मुंडा को। ये हैं अर्जुन मुंडा जिन्हें कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में CII ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.8%, सी ऑप्शन राइट होगा, 6.8% CII ने वित्त वर्ष 2023-24 भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है। तो आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।